नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाइसेस की दूसरी क्लास, क्लास ऑस्ट्रिक्थीज, राइट? हमने पिछली क्लास में कॉन्ड्रिक्थीज फिशेस के बारे में पढ़ा था. हमने जाना था कि वो कार्टिलेजिनस के एंडोस्केलेटन की बनी हुई होती हैं, राइट? और उनके बहुत सारे ही फीचर्स हमने जाने थे, राइट? आज हम बात करने वाले हैं क्लास ऑस्ट्रिक्थीज के बारे में, राइट? उनमें फिशेस कैसी बनी हुई हैं, उनका एंडोस्केलेटन कैसा है, उनके पास भगवान ने क्या क्या वरदान दे रखे हैं, ऐसी ही कुछ छोटी मोटी बातें आज हम करने वाले हैं. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. सो क्लास ऑस्टिक्थीज में जो फिशेस आती हैं उनको और क्या बोला जाता है, बोनी फिशेस बोला जाता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था एक टिप कि ऑस्टिक से आप क्या याद रखेंगे कि ऑस्टी या ऑस्टियोसाइट्स किस लिए काम आता है, बोन बताने के लिए काम आता है, या कोई भी रिलेशन किससे होगा, बोन से जब कोई रिलेशन होगा वो वर्ड क्या यूज़ करेंगे, हम ऑस्टी यूज़ करेंगे, राइट? ऑस्टियोसाइट्स, बोन सेल्स जैसे हम बोलते हैं. तो यहाँ पे जब हमने ऑस्टिक्थीज बोला है तो हम बोल रहे हैं कि ये कैसी फिशेस होंगी, बोनी फिशेस होंगी, राइट? बोनी फिशेस के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि जो इनका एंडोस्केलेटन होगा वो कार्टिलेजिनस होगा. लेकिन कब तक होगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्टिलेजिनस होगा. कहाँ होगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब फिश का एम्ब्रियो बन रहा होगा उस टाइम जो एंडोस्केलेटन आपको देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? कार्टिलेजिनस होगा. लेकिन जब एडल्ट बन जाएगी तो एडल्ट बोनी फिशेस में आपको एंडोस्केलेटन कैसे देखने को मिलेगा? बोनी देखने को मिलेगा. कैसा देखने को मिलेगा? बोनी देखने को मिलेगा. यहाँ पे क्या होता है, या तो एंडोस्केलेटन होली बोनी हो सकता है. कैसा हो सकता है? पूरा पूरा बोन का बना हुआ हो सकता है, या फिर पार्शली बना हुआ हो. किसका? पार्शली बना हुआ हो सी फॉर कार्टिलेज का, और पार्शली बना हुआ हो बी फॉर बोन से, राइट? पार्शली किससे बना हो? कार्टिलेज का बना हुआ और पार्शली बोन का बना हो, मतलब पार्शली कार्टिलेजिनस प्लस पार्शली बोनी एंडोस्केलेटन देखने को मिल सकता है आपको बहुत सारी फिशेस में, राइट? सो इसलिए क्या बोला गया है यहाँ पे कि उनका जो एंडोस्केलेटन है वो क्या होगा? बोनी एंडोस्केलेटन होगा, राइट? अब जब हम पाइसीज के बारे में बात कर रहे थे तो पहली बात जो हमने ये करी थी कि वो कैसे जानवर हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं. क्या हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, या फिर इनको और क्या बोला जाता है, पॉइकिलोथर्मल एनिमल्स भी बोला जाता है. क्योंकि ये क्या नहीं कर सकते? अपना टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते? कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, राइट? और इनको क्या बोला जाता है? एक्टोथर्मिक भी बोला जाता है, कि जो इनका शरीर का तापमान है वो बाहर के सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है, राइट? और कितनी स्पीशीज हमारे को देखने को मिली? 25,000 स्पीशीज हमारे को देखने को मिलती हैं. किसकी? बोनी फिशेस की. किसकी? बोनी फिशेस की 25,000 स्पीशीज हमारे को देखने को मिलती हैं. जबकि हमने पढ़ा था कि जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उनकी कितनी स्पीशीज हमारे को देखने को मिलती हैं? 600 स्पीशीज देखने को मिलती हैं, राइट? तो दूसरी बात जो हम करने वाले हैं, मैं साथ साथ में आपको डिफरेंस भी बताती जाऊंगी यहाँ पे कॉन्ड्रिक्थीज के साथ में. कॉन्ड्रिक्थीज में हमने क्या पढ़ा था? कॉन्ड्रिक्थीज में हमने पढ़ा था, राइट, कि कॉडल फिन कैसा होगा वहाँ पे? हेट्रोसर्कल होगा. क्या होगा? हेट्रोसर्कल होगा, मतलब ऊपर का लोब हो सकता है थोड़ा बड़ा हो और नीचे का लोब हो सकता है छोटा हो. इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोसर्कल कॉडल फिन बोलेंगे, जहाँ ऊपर का लोब क्या होगा? बड़ा होगा, और नीचे का लोब कैसा होगा? छोटा होगा, राइट? किसका? कॉडल फिन का. जबकि यही चीज़ जब हम ऑस्टिक्थीज में देखते हैं तो हमारे को होमोसर्कल सिमेट्रिकल फिन्स मिलेंगे. कॉडल फिन्स जो है, जो पीछे की जो पूंछ होती है जिसको हम टेल फिन भी बोलते हैं, कॉडल फिन उसका प्रॉपर नाम है, वो कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा. कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा, मतलब अगर आप उसको हाफ में डिवाइड करेंगे तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एग्जोस्केलेटन जो है, मैंने आपको बताया था कि उनमें कैसे होते हैं, कॉन्ड्रिक्टीज में कैसे स्केल्स होते हैं हमारे. साथ साथ में आपको डिफरेंसेस बताती जा रही हूँ ताकि अलग से आपको बाद में नहीं बताना पड़े, राइट? कॉन्ड्रिक्थीज में कैसे स्केल्स मिले थे हमें? प्लेकॉइड स्केल्स मिले थे, याद है आपको? त्रिशूल वाले स्केल्स जो मिले थे हमको, ऐसे कुछ स्केल्स मिले थे, राइट?
ठीक है, और कौन ऑस्टिकथीज में हमें कैसे मिलेंगे साइक्लॉइड, सर्कुलर स्केल। साइक्लॉइड का क्या मतलब होता है, ऐसे स्केल्स या तो हमें मिलेंगे या टीनॉइड मिलेंगे या फिर गेनॉइड स्केल्स मिलेंगे, जो कि क्या कैसे ओरिजिनेशन के होंगे, डर्मल ओरिजिनेशन के होंगे। ये इमेज आपको दिखाई गई है, देख सकते हैं आप कैसे स्केल्स यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहे हैं, ऐसे स्केल्स हमारे को बोनी फिशेज में देखने को मिलेंगे, राइट। माउथ जो है टर्मिनल होगा, जबकि कॉन्ड्रिक्थीज में हमने क्या पढ़ा था, जब हमने क्या बनाया था, वेल बनाया था, तो उसका माउथ हमने कैसा बनाया था, वेंट्रल माउथ बनाया था। कैसा माउथ बनाया था, वेंट्रल माउथ बनाया था, राइट। तो वेंट्रल का क्या मतलब होता है, नीचे से आपको माउथ मिलेगा, वेंट्रल सरफेस पे आपको माउथ मिलेगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी इसी के साथ में, कि जो ऑस्टिक थीज होती हैं उनमें आपको कैसा माउथ मिलेगा, टर्मिनल माउथ मिलेगा। क्या मिलेगा, टर्मिनल माउथ मिलेगा। ये क्या है, ये क्या है, ऑस्टिक थीज है, और ये क्या है, कॉन्ड्रिक थीज है, राइट। याद रखिएगा, भूलने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, साथ साथ में मेरे साथ लर्न करते जाइए, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। डाइजेस्टिव ट्रैक लीड्स इनटू एनस, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। पर यहाँ पे क्या है, क्लोएका एब्सेंट होगा या क्लोएकल अपर्चर यहाँ पे एब्सेंट होगा, ठीक है। जबकि कॉन्ड्रिक्थीज में क्या था, क्लोएका प्रेजेंट था। ये इंपॉर्टेंट फीचर है जिस जो डिफ्रेंसिएशन में भी काम आएगा आपको, राइट। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखें तो ये क्या है, रोहू है, ये लेबियो है, राइट, लेबियो रोहिता है ये, ठीक है, लेबियो रोहिता इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है, राइट। इनमें अगर आप माउथ देखें, ये किसका एग्जाम्पल है, लेबियो रोहिता ऑस्टिक थीज का एग्जाम्पल है, बोनी फिशेस का एग्जाम्पल है। अगर आप इसका डायग्राम यहाँ देख रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, टर्मिनल माउथ देखने को मिल रहा है। और जो फिन्स हैं वो कैसे हैं, होमो सर्कल कॉर्डल फिन है, क्या है, जो फिन है लास्ट, जो टेल है, होमो सर्कल कॉर्डल फिन है, राइट। यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा आपको, क्लोएकल अपर्चर नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, क्लोएकल अपर्चर नहीं मिलेगा। लेटरल लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है, ये जो लेटरल लाइन आपको दिख रही है थोड़ी थोड़ी डार्क है यहाँ पे, ये क्या है, लेटरल लाइन है यहाँ पे, राइट। और हमने पढ़ा था पाइसीज के बारे में, जब हम बेसिक फीचर्स पढ़ रहे थे, तो उनकी बॉडी कैसे डिवाइडेड होती है, हेड ट्रंक एंड टेल में। तो ये देखिए यहाँ से टेल चालू हो गई, ये पूरा क्या है, ट्रंक है, और यहाँ तक क्या है, हेड है, राइट। स्केल्स आपको दिखाए गए हैं, ये क्या है, यहाँ पे स्केल्स लगे हुए हैं बॉडी पे, क्या है, पूरे स्केल्स। इन्हीं की फोटो को आपको इनलार्ज करके, पीछे जब मैंने स्केल्स दिखाए थे तो यही फोटो है या यही स्केल्स हैं जो आपको इनलार्ज करके दिखाए गए हैं, राइट। फिन आपको कौन कौन से मिलेंगे, पेक्टोरल फिन दो मिलेंगे, पेल्विक फिन आपको दो मिलेंगे, एक डॉर्सल फिन, एक एनल फिन और एक कॉडल फिन आपको मिलेगा, राइट। नॉस्ट्रल्स हैं बेटा यहाँ पे, अब मैं आपको नॉस्ट्रल्स के बारे में बताना चाहूँगी। जो नॉस्ट्रल्स आपको कॉन्ड्रिक्थीज में मिलती थी, वो आपको कहाँ मिलती थी, वेंट्रल सरफेस पे मिलती थी। कहाँ मिलती थी, वेंट्रल सरफेस पे मिलती थी। यहाँ आपको एंटीरियरली मिलेंगे नॉस्ट्रल्स, क्या, जो दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स जो हम बात करते हैं, वो एक्सटर्नल नेयर्स आपको कहाँ मिलेंगे, एंटीरियर रीजन पे मिलेंगे, राइट। और जिनमें लंग्स नहीं हैं उन फिशेस में तो ये बंद हो जाएंगे, लेकिन जो लंग फिशेस हैं, जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आगे जाके आज हम बात करने वाले हैं उन फिशेस की जिनमें क्या डेवलप हो गए हैं, लंग्स डेवलप हो गए हैं, उनमें वो जो नेयर्स हैं वो इंटरनली किससे कनेक्ट हो जाते हैं, अंदर से किससे कनेक्ट हो जाते हैं, फेफड़ों से जुड़ जाते हैं। जैसे हमारे में हमारी नॉस्ट्रल्स अंदर से किससे कनेक्टेड हैं, लंग्स से कनेक्टेड हैं, राइट। वैसे ही आगे अगर हम देखते हैं, वही बात आ गई, एक्सटर्नल नेयर्स जो है लाए ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्नाउट, और लंग फिशेज में जो इंटरनल नेयर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड टू लंग्स, राइट। बोनी फिशेज में, अब आपको मैंने एक और डिफरेंस बताया था यहाँ पे, क्योंकि भगवान ने सोचा कि भाई जो कॉन्ड्रिक्थीज है उनमें सारी इंसानों को खाने वाली फिशेज भरी हुई है, जैसे कि शार्क है, ठीक है, बहुत ही प्रेडेशियस नेचर वाली, शिकारी नेचर वाली क्या फिशेस भरी हुई है, तो उनको ज़्यादा वरदान देने से मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या करती है, मारकाट मचाती हैं। लेकिन ये वाली फिशेस क्या होती हैं, बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी फिशेस होती हैं, और ये हमारा खाना भी बन जाती हैं, राइट। ये इनमें से बहुत सारी फिशेस ऐसी हैं जिनको हम
ह्यूमंस खाते भी हैं, राइट? तो इसलिए इनको क्या एक बहुत ही बढ़िया वरदान मिला गया है कि अगर ये तैरना रोक दें तो ये डूबेंगी नहीं. और क्यों नहीं डूबेंगी? क्योंकि इनमें क्या है, स्विम ब्लैडर है या फिर एयर ब्लैडर है, जो कि कॉन्ड्रिक्थीज में नहीं था, जो कि कॉन्ड्रिक्थीज में एब्सेंट था. इसलिए मैंने आपको वहाँ एक बात बताई थी कि अगर शार्क्स तैरना रोक दें तो वो समुद्र में नीचे डूबती चली जाएंगी, राइट? इसलिए सोने के लिए वो क्या जाती है, थोड़ी देर नीचे जाती है और फिर उनको वापस आना पड़ता है ऊपर तैरने के लिए, राइट? बोनी फिशेज में क्या है, एक सैक लाइक आउटग्रोथ है, स्विम ब्लैडर है, जो कहाँ से आता है, डॉर्सल वॉल से होता हुआ. डॉर्सल वॉल किसकी, ईसोफेगस की, विच इज़ एयर फिल्ड ऑर्गन यूज टू मेंटेन बैलेंस एंड स्विम अप एंड डाउन. मैंने बताया था ना आपको कि इसमें से ये फिशेज क्या कर सकती हैं, इसमें अगर ये हवा भर दें तो क्या होगा, जब हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून ऊपर उड़ता जाता है. तो जब ये फिशेज अपने इस एयर ब्लैडर में, ये आपको दिख रहा है एयर ब्लैडर, जब इस एयर ब्लैडर में वो हवा भरेंगी तो फिशेस लाइट होती जाएंगी और बॉयंट होती जाएंगी. तो वो पानी में कहाँ चलती जाएंगी, ऊपर चलती जाएंगी. और जब इसमें से हवा बाहर निकाल लेंगी तो ये भारी होती जाएंगी, इनकी बॉयंसी कम होती जाएगी, राइट? और ये पानी में नीचे आती जाएंगी, राइट? तो इसकी यूज़ से, स्विम ब्लैडर के यूज से ये क्या कर सकती है, बैलेंस मेंटेन कर सकती है और ऊपर नीचे स्विम कर सकती है, राइट? कुछ फिशेज में एयर ब्लैडर, इसको और क्या बोला जाता है, एयर ब्लैडर भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है इसको, एयर ब्लैडर भी बोला जाता है. लेकिन आप इसको जो बर्ड्स में एयर सैक होता है उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे, राइट? उनमें ये क्या काम आता है, रेस्पिरेशन के में भी काम आता है कुछ फिशेस में, राइट? इन सम फिशेस, इस पॉइंट को आप जनरलाइज नहीं करेंगे, कुछ फिशेस में क्या होगा, जो ये स्विम ब्लैडर है किसके काम आता है, रेस्पिरेशन के काम भी आता है, राइट? ठीक है. They have four pair of gills. कल हमने क्या पढ़ा था, जब हमने शार्क की वो फोटो देखी थी, तो शार्क की उस फोटो में क्या था, शार्क की उस फोटो में क्या था कि उसके यहाँ पे क्या है, लेटरल साइड पे पांच ऑब्लिक स्लिट्स हैं. क्या है, पांच ऑब्लिक स्लिट्स थे. तो ये कॉन्ड्रिक्थीज का डायग्राम बनाया तो उनमें क्या थे, पांच ऑब्लिक स्लिट्स थे गिल्स के जगह. और वो क्या थे, ऑपरक्यूलम से कवर्ड नहीं थे, वो एक्सपोज थे पानी के, राइट? जबकि जब आप किस में देखेंगे, कॉन्ड्रिक्थीज में देखेंगे, तो आपको ये फ्लैप वाली मैंने फोटो दिखाई थी लास्ट वीडियो में भी, कॉन्ड्रिक्थीज की वीडियो में भी, कि जो गिल्स हैं ऑस्टिक्थीज में वो किससे कवर्ड होंगे, ऑपरक्यूलम. एक गिल फ्लैप नाम की चीज़ होती है जिसको क्या बोला जाता है, ऑपरक्यूलम से कवर्ड होती है, ढकी हुई होती है, राइट? एक तो डिफरेंस ये हो गया यहाँ पे कि कॉन्ड्रिक्थीज में ऑपरक्यूलम एब्सेंट रहता है, ठीक है. एक वरदान भगवान ने उनको ये भी नहीं दिया कि उनमें ऑपरक्यूलम भी नहीं डाला, बोला कि तुम्हारे को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत गंद मचा रही हो, ठीक है, इसलिए तुम्हारे को मैं कुछ नहीं दे रहा. और उन्होंने फिर सोचा कि भाई ऑस्टिक्थीज हैं, ये तो अच्छा काम कर रही हैं, सोशल सर्विस कर रही हैं, तो इनको क्या दे दिया जाए, ऑपरक्यूलम दे दिया जाए, राइट? और इनके पास गिल्स कितने हैं, चार गिल्स हैं, राइट? चार पेयर ऑफ गिल्स हैं, राइट? हार्ट जो है वो वही दो चेम्बर्ड होगा, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, और साथ में वेल डेवलप्ड साइनस, वेनोसस एंड कोनस आर्ट्रियोसिस भी होंगे. जब आप देखेंगे ये डायग्राम आपके लास्ट वीडियो में भी था, ठीक है, लास्ट वीडियो में जब हमने देखा था, क्या देखा था, कि हार्ट जो है उसमें दो चेम्बर्स होंगे. क्या होंगे, जो हार्ट है उनमें दो चेम्बर्स होंगे, ऑरिकल और वेंट्रिकल, राइट? देखिए ये रेड ब्लड यहाँ पे जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है. जो रेड आर्टरीज है उसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो ब्लड है जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है. और जो ये ब्लू ब्लड है वो क्या है, ब्लू वेन्स है, राइट? ये क्या है, ब्लू वेन्स. जो नीली नलियाँ होती हैं खून की उनको बोला जाता है वेन्स, और जो लाल खून जो ऑक्सीजन वाला प्योर खून लेकर जाती हैं वो क्या बोला जाता है, उनको आर्टरीज बोला जाता है. और ब्लू वेन्स में क्या कैरी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी हो रहा है. तो ये आपको दो डिविजन दिख रहे हैं हार्ट के, तो एक क्या है, ऑरिकल है, और एक क्या है, वेंट्रिकल है, राइट? आगे देखते हैं. अब लंग फिशेज, अब अगर हम सांस लेने की बात कर ही रहे हैं, क्योंकि फिशेज में इतने सारे चीज़ें हैं, तो जब हम फिशेज की बात कर रहे हैं और सांस लेने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ एक तरीके की क्या होती हैं, लंग फिशेज भी होती हैं. और उनमें जो हार्ट होता है वो कैसा होता है,
थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, राइट? क्या होता है? थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है. ऊपर के दो चेम्बर्स ऑरिकल्स होते हैं और नीचे के एक चेम्बर क्या होता है? वेंट्रिकल होता है, राइट? बोनी फिशेज में रीनल सिस्टम क्या है? बहुत ही वेल डेवलप्ड है. क्या है? रीनल सिस्टम बहुत ही वेल डेवलप्ड है और इनके आरबीसीज भी ओवल हैं और न्यूक्लिएटेड हैं. क्या है? ये सेम चीज़ हमने कॉन्ड्रिक्टीज में भी पढ़ी थी कि जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ओवल होते हैं. कैसे होते हैं? ओवल होते हैं. और कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है, राइट? किडनीज कैसी होती है? मीजोनेफ्रिक होती है. अब यहाँ पे जानने की क्या बात है कि जब हमने कॉन्ड्रिक्टीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? जब हमने कॉन्ड्रिक्टीज पढ़ी थी तो उनमें जो हमने नाइट्रोजनस वेस्ट देखा था, NW मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट, उनमें क्या था? यूरिया था. तो मैंने आपको क्या बोला था कि वो कैसी हैं? यूरियोटेलिक हैं. कैसी हैं? यूरियोटेलिक हैं. और यहाँ पे क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट? अमोनिया है. जबकि किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑस्टिकथीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो जो ऑस्टिकथीज में NW नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है? अमोनिया है. क्या है? अमोनिया है. मतलब ये कैसी हैं? मोनोटेलिक हैं, राइट? ये एक और डिफरेंस हो गया. 10 पैर के क्रेनियल नर्व्स के हमने कॉन्ड्रिक्टीज में भी देखे थे, 10 पैर आपको क्रेनियल नर्व्स के यहाँ भी मिलेंगे. ब्रेन में हमने वहाँ पे क्या देखा था? एक लार्ज सेरिबेलम देखा था और एक ऑल्फैक्ट्री लोब भी देखा था. पर ये दोनों लोब्स यहाँ पे क्या होंगे? छोटे छोटे होंगे. क्या होंगे? छोटे लोब्स होंगे. और यहाँ पे लेटरल लाइन सिस्टम भी प्रेजेंट होगा, राइट? आपको सारी फिशेज में, जितने भी फिशेज क्या है, ट्रू फिशेज हैं, उनमें आपको लेटरल लाइन सिस्टम जरूर मिलेगा, राइट? दे हैव इंटरनल ईयर्स. ईयर्स हमने क्या बोले थे? किस लिए काम आते हैं? बैलेंस करने के काम आते हैं. किस लिए काम आते हैं? बैलेंस करने के काम आते हैं. और आईज में क्या होती है? वेल डेवलप्ड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं, क्योंकि ये लोग कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं. आँखें पानी में खुली रहेंगी, उससे बचाने के लिए इनको क्या मिली गई है? क्या मिली गई है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन मिली गई है, राइट? फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा. फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा. और एक्सटर्नल में, फर्टिलाइजेशन में, या तो एग्स बनेंगे या फिर क्या होगा, जो एग्स हैं वो कहाँ हैच होंगे? मदर की गोनोडक्ट में. मदर की गोनोडक्ट में, रिप्रोडक्टिव डक्ट में हैच होंगे. और वो क्या बाहर देंगी? बेबी बाहर देंगी, राइट? ठीक है. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. अब हमने पढ़ा था कि भाई ये वर्टिब्रेट्स है, इनमें कोई लार्वल स्टेजेस देखने को मिलेंगी नहीं, लेकिन आपके पास यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. क्या है? एक एक्सेप्शन है. एंगुला नाम की एक फिश होती है. क्या होती है? एंगुला नाम की एक फिश होती है जिसका लार्वा क्या है? लेप्टोसिफिलस है. क्या है लार्वा? लेप्टोसिफिलस लार्वा है, राइट? कुछ बोनी फिशेज होती हैं जो कि क्या दिखाती हैं? पेरेंटल केयर दिखाती हैं. क्या दिखाती हैं? पेरेंटल केयर दिखाती हैं. जब आप आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? सी हॉर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सी हॉर्स में जो मेल्स होते हैं उनके पास क्या होता है? एक ब्रूड पाउच होता है. तो ब्रूड पाउच क्या, मान लीजिए ये उनका अगर ऐसा पेट है और ये उनकी पूंछ है, तो यहाँ पे उनके पास क्या होगा? ब्रूड पाउच होगा, राइट? जिसमें जो फीमेल्स हैं वो क्या करेंगी? अपने एग्स ले कर देंगी. क्या करेंगी? अपने एग्स ले कर देंगी. और वो एग्स यहाँ पे तक रहेंगे जब तक वो हैच नहीं हो जाते. बोनी फिशेस कहाँ होती हैं? सारे वाटर्स में मिलती हैं. फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एंड ब्रैकिश मतलब सॉल्टी वाटर में भी मिलेंगी, राइट? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में. तो यहाँ पे बेटा, जब मैंने आपको कहा कि आपको फिशेस जो हैं, जो ऑस्टिकथीज बोनी फिशेस हैं, वो आपको फ्रेश वाटर में भी मिल सकती हैं, मरीन वाटर में भी मिल सकती हैं और ब्रैकिश सॉल्टी वाटर में भी मिल सकती हैं, राइट? मतलब सॉल्टी वाटर आप माने तो एस्ट्यूरीज में भी आपको मिल सकती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं? कई बार एस्ट्यूरीज में से स्पॉनिंग करने भी जाती हैं, मतलब अपनी ब्रीडिंग करने भी जाती हैं, बच्चे देने भी जाती हैं, राइट? तो मरीन फिशेस जो हैं वो होती हैं एक्सोकोइटस, हिप्पोकैम्पस, अपना क्या, सी हॉर्स, सोलिया, फ्लैट फिश, काइनेसिस, सकर फिश, लोफियस, एंगलर फिश, राइट? फ्रेश वाटर अगर हम फिशेस की बात करते हैं तो आपको जो हम फिशेस को खाते हैं ज़्यादातर, लेबियो, कटला, क्लारियस, मगूर भी बोलते हैं क्लेरियस को, एंड एंगुला, राइट? एंगुला, एनेबस, मिस्टिस, हेटरोन्यूस्टिस, विलागो, राइट? लंग फिशेस की अगर हम बात करते हैं तो लंग फिशेस भी हमारे को आगे देखने को मिलेंगी, राइट? उनके एग्जांपल्स मैं आपको आगे दूंगी, ठीक है? एक्वेरियम में भी बहुत सारी फिशेस हमारे को देखने को मिलती है, जैसे कि बेटा हमारे को देखने को मिलती है जो फाइटिंग फिश होती है, एंड टेरोफाइलम हमारे को देखने को मिलती है जिसको एंजल फिश भी बोला जाता है, राइट?
अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसी फिश जो बहुत ही कॉमनली खाई जाती है, राइट, लेबिया, या फिर इसको बोला जाता है लेबियो रोहिता, या फिर रोहू भी इसको कॉमनली बोला जाता है। ये कहाँ मिलती है हमारे को? साफ पानी में भी मिलती है, या फिर स्लगिश रिवर्स और स्ट्रीम में भी हमारे को मिल सकती है। और ये जो फिशेस होती हैं, ये जनरली क्या होती हैं? हर्बी वोरस होती हैं। क्या होती हैं? हर्बी वोरस होती है डाइट में, राइट। पेड़ या फिर क्या खा सकती हैं? ये जीव नहीं खाती हैं, ये पेड़ खाती हैं। और जो इनके बच्चे होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाते हैं, प्लैंक्टीवोरस होते हैं, राइट, ये वी आएगा यहाँ पे। और इनमें क्या होता है, इनका ज़्यादातर आप देख के आप क्या देखेंगे इनमें कि इनके यहाँ पे एक आगे कुछ दो मूँछ सी निकली हुई होती हैं, जिसको बोला जाता है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये एक मूँछ हेरी और एक मूँछ हेरी। ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं बार्बल्स। क्या होते हैं? ये बार्बल्स होते हैं। ये बार्बल क्या करते हैं? ये इनको खाना ढूंढने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? खाना ढूंढने में मदद करते हैं, फूड को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। द टू शॉर्ट थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स द बार्बल्स आर प्रेजेंट। और इनका काम क्या है? खाना ढूंढने में मदद करना इनका काम है, राइट। आगे पढ़ते हैं, जो टेल है हमने पढ़ी वो कैसी होगी? होमो सर्कल होगी, मतलब क्या होगी? टू इक्वल लोब्स में डिवाइडेड होगी। और जो फिश है कैसी है? एक डिलिशियस डिश की तरह खाई जाती है, राइट, ठीक है। कटला की अगर हम बात करते हैं आगे, तो कटला क्या है? ये फिर से खाई जाती है, ये अगेन एक एडिबल फिश है। लास्ट पॉइंट यही लिख रखा है कि जो एक्सीलेंट फूड फिश है, ये क्या है? ये एक्सीलेंट फूड फिश है। एंड कहाँ मिलती है? फ्रेश वाटर में हमारे को मिलती है। किस पे? ये क्या खाती है? प्लैंकटॉन्स खाती है, या फिर सड़ी गली सब्जियाँ खा सकती है, राइट। ट्रंक एंड टेल जो होते हैं, दे बियर मॉडरेट साइज स्केल्स, और इनपे क्या होंगे? स्केल्स प्रेजेंट होंगे, पर इनमें क्या नहीं होंगे? बार्बल्स एब्सेंट होंगे। क्या एब्सेंट होंगे? बार्बल्स एब्सेंट होंगे। ये क्या है? हमारी कटला है। क्या है? ये कटला, कटला बोलते हैं इसको, राइट, ठीक है। देख रहे हैं कितनी सुंदर फिश है। एंड आपने देखा कि जो ट्रंक है, क्या है? ट्रंक है। उसके ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है? स्केल्स देखने को मिल रहे हैं, राइट, ठीक है। एंड ऑस्टिकथीस के अगर हम फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे टर्मिनल माउथ है, राइट। ऑपरक्यूलम आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑपरक्यूलम है, बहुत ही क्लियरली हमारे को ऑपरक्यूलम देखने को मिल रहा है। साथ में हमारे को होमो सर्कल कॉडल फिन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनाबिस की अगर हम बात करें, तो ये एनाबिस एक ऐसी मछली है जो बोल सकते हैं कि पानी के बाहर भी रह सकती है कुछ देर तक, राइट। क्यों रह सकती है ये, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट कैन लिव आउट ऑफ वाटर फॉर सम टाइम, वेयर इट रिस्पायर्स थ्रू एक्सेसरी, क्या है? एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ द गिल्स। इनमें एक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं गिल्स के थोड़ा सा आगे, राइट। कार्निवोरस प्रिडेटरी फिश है, ये क्या है? दूसरी जानवरों को खाती है। एंड इट इज़ वेरी कॉमन फॉर ईटिंग अर्थ वर्म्स, राइट। क्या खाती है ये? केंचुओं को खा जाती है। क्या खाती है ये? केंचुओं को खा जाती है, राइट। देखिए आपको ये देख सकते हैं एनाबिस कितनी क्लियरली आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप दूसरों से, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इट इज अनएबल टू क्लाइंब ट्रीज। अब इसका नाम क्या है? क्लाइंबिंग पर्च इसका नाम दिया गया है। क्लाइंबिंग पर्च क्यों दिया गया है? क्योंकि क्या होता है, जब ये वाटर पानी की ऊपर आ जाती है ना, तो क्या करती है, जो चिड़िया आती है ना, वो उठा के इसको ले जाती है, राइट। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? क्लाइंबिंग पर्च भी बोला जाता है। और वो जब चिड़िया उसको ले जाती है, तो वो क्या करती है? वो उसको पेड़ के ऊपर छोड़ देती है, ड्रॉप कर देती है। इसलिए इस वजह से इसका नाम क्या है? क्लाइंबिंग पर्च भी दिया गया है। पर ये असलियत में पेड़ पे चढ़ नहीं सकती है, राइट। क्लाइंबिंग पर्च इज़ ऑल्सो अ गुड फूड फिश, इसको भी खाया जाता है, एनाबिस को भी खाया जाता है। अब आपने ईल के बारे में तो सुना ही होगा, और कई बार आपने ईल देखी भी होगी, राइट। इसकी बॉडी कैसी होती? सांप जैसी बॉडी होती है, लेकिन ये होती क्या है? फिश ही होती है ये। देखिए इसकी बॉडी कैसी, स्नेक लाइक बॉडी है। बॉडी को देखते ही आप क्या कहेंगे? ये तो कुछ सांप जैसा लग रहा है। तो ये बॉडी कैसी है? इसकी स्नेक लाइक बॉडी है। इसका नाम क्या है? ईल है। इसका नाम क्या नाम है? इसका नाम ईल है। इसके ऊपर रूडिमेंट्री स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ अनडेवलप्ड या पुअरली डेवलप्ड स्केल्स होते हैं। अडल्ट मेल एंड फीमेल फिशेज माइग्रेट फ्रॉम रिवर टू सी वेयर दे ले देयर एग्स एंड डाई। अब क्या करते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, जो इनकी फीमेल्स होती हैं ईल की, क्या करती हैं? समुंदर में जाके क्या करती हैं? रिवर में से समुंदर में चली जाती हैं, और वहाँ क्या करती है? अपने अंडे दे देती हैं, और अंडे देने के बाद मर जाती है। जैसे बहुत सारे मच्छरों में भी होता है, वो क्या करते हैं?
अपने एग्स देते हैं, और एग्स देने के बाद क्या होते हैं, मर जाते हैं, राइट, या फिर रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या करते हैं, एग्स ले करने के बाद मर जाते हैं। वैसे ही ये ईल है, ये क्या करती है, जब अपने समुद्र में जाके क्या दे देती है, अंडे दे देती है, उसके बाद ये मर जाती है, क्योंकि ये रहती कहाँ होती है, ये रहती तो रिवर में है, लेकिन अपने अंडे कहाँ जाके देती है, सी में जाके देती है, राइट। द यंग वन विच हैचेस फ्रॉम एग इज कॉल्ड लेप्टोसिफेलस। अभी लेप्टोसिफेलस हमने और भी पढ़ा था। यहाँ पे क्या होगा, आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा, यहाँ पे लार्वल स्टेज मिलेगी। क्या मिलेगी, लार्वल स्टेज मिलेगी, और उस लार्वा का क्या नाम है, लेप्टोसिफेलस लार्वा है, राइट, लेप्टोसिफेलस लार्वा, ठीक है। अभी लेप्टोसिफेलस लार्वा की एक जगह हम इमेज भी देखेंगे आगे, राइट। द लार्वा आर सो ट्रांसपेरेंट दैट दे आर कॉल्ड ग्लास फिशेज। क्या बोला जाता है उनको, ग्लास फिशेज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो ग्लास होता है वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है, आप उसमें से आर पार देख सकते हो, वैसे ये फिशेज होती हैं, बिल्कुल एकदम क्या होती है, पारदर्शी होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ग्लास फिशेज भी बोला जाता है। दे फीड एंड ग्रो इन सी फॉर 2 to 3 years एंड देन एंटर द रिवर। तो जो लार्वा होते हैं वो रहते हैं, क्योंकि एग्स क्या है, जो फीमेल ईल है वो क्या करते हैं, एग्स कहाँ देते हैं, सी में देते हैं, वहाँ पे जब एग्स हैच होंगे टूटेंगे, उनमें से बाहर क्या निकल के आएगा, लेप्टोसिफेलस लार्वा बाहर निकल के आएगा, वो 2-3 साल वहाँ सी में ग्रो करेंगे, और फिर वो कहाँ चले जाएंगे रहने, रिवर में रहने चले जाएंगे, और वहाँ जाके वो मेटामॉर्फोसिस करते हैं। क्या करते हैं, मेटामॉर्फोसिस करते हैं, और क्या बना लेते हैं, अडल्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अडल्ट बना लेते हैं। तो अगर हम इनकी लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो क्या है, जो अडल्ट हैं, जो अडल्ट कौन है, मेल्स हैं और फीमेल्स हैं, वो कहाँ रहेंगी, वो कहाँ रहेंगी, रिवर में रहेंगी, राइट। रिवर में से जाने के बाद वो कहाँ चली जाएंगी, सी में जाएंगी। सी में जाने के बाद वो क्या करेंगी, एग्स देंगी। एग्स क्या करेंगे, हैच करेंगे। हैच करके क्या बनाएंगे, लार्वा बनाएंगे, और लार्वा फिर कहाँ 2-3 साल रहेगा, सी में। कहाँ रहेगा, 2-3 साल सी में रहेगा, और फिर ये कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, रिवर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, रिवर में चला जाएगा, और वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस करेगा। तो ये वाली साइड तो क्या हो गई, ये वाली साइड सारी कहाँ हो रही है, सी में हो रही है, और ये वाली साइड कहाँ हो रही है, सारी रिवर में हो रही है, राइट, ठीक है। एग्जोकोइटस क्या है बेटा, ये फ्लाइंग फिश है, राइट, उड़ती हुई फिश है। इसके जो आगे के फिन्स होते हैं वो विंग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, विंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे। तो जो फ्रंट के जो क्या है, फिन्स हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पेक्टोरल फिन्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं विंग लाइक स्ट्रक्चर्स में, विद द हेल्प ऑफ, विद द फिश ग्लाइड्स। फिश क्या करती है, ग्लाइड करने लग जाती है। इनफैक्ट इट डज नॉट फ्लाई बट ऑफन लीप्स इनटू द एयर अप टू अबाउट 6 meters हाई। 6 meter तक ये जंप लगा सकती है पानी से दूसरी जगह तक, राइट, ठीक है। एक्सेलेंट फूड फिश है, इसको भी खाने में खाया जाता है। अब अगर हम किसकी बात करें, सी हॉर्स की बात करें, तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे सी हॉर्स में क्या होता है, मदर्स क्या करती हैं, या फिर इनको क्या मिलती है, केयर करती हैं, या फिर इनको क्या बोला जाता है, पेरेंटल केयर भी इनमें देखने को मिलती है। क्योंकि जो मेल क्या है, मेल एग्स को अपने ब्रूड पाउच में कैरी करता है, और जब तक वो हैच नहीं हो जाते तब तक वो एग्स वहीं पे रहते हैं, राइट। नेक है एंड हेड है जो फिश का, वो हॉर्स लाइक रखता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सी हॉर्स भी बोला जाता है। और इनकी जो ये पूंछ है, ये कैसी है, इनकी पूंछ ऐसे घुमावदार होती है। कैसी होती है, घुमावदार होती है, और वो क्या करने में मदद करती है, किसी चीज को पकड़ने में मदद करती है। मान लीजिए किसी डंडी पे क्या लटका हुआ है, सी हॉर्स लटका हुआ है, तो वो क्यों लटका हुआ होगा, क्योंकि जो इसकी ये पूंछ है, ये इसको लटकने में मदद करती है, राइट, इसलिए इसको बोला गया है प्रीहेंसाइल टेल है। मतलब क्या हेल्प करेगी, टेल ग्रैस्प करने में मदद करेगी। क्या करेगी, ग्रैस्प करने में मदद करेगी। फिश जो है वो हमेशा ऐसी अपराइट ही स्विम करेगी, राइट, और इसमें मेल और फीमेल बहुत इजीली देखने को अलग अलग मिलते हैं हमारे को, राइट, क्योंकि मेल्स के पास क्या होता है, ब्रूड पाउच होता है, इसलिए हम अलग से बता सकते हैं कि जो मेल है उनमें ब्रूड पाउच मिलेगा देखने को, राइट। द मेल बियर्स अ ब्रूड पाउच इन विच द फीमेल लेज एग्स एंड द लैटर रिमेन देयर टिल दे हैच। दस द पेरेंटल केयर, यहाँ पे क्या मिलेगी, पेरेंटल केयर जो देखने को मिलेगी वो किसके पास देखने को मिलेगी, मेल्स के पास में देखने को मिलेगी, राइट। मदर क्या करेगी, मदर क्या करेगी, एग ले कर देगी, राइट, और जो पेरेंटल केयर है वो कौन करेगा, फादर करेगा। जो पेरेंटल केयर है वो कौन करेगा, फादर करेगा, राइट। पेल्विक और कॉडल फिन्स एब्सेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या बन जाते हैं, टेल बन जाती है। वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, टेल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, राइट, यहाँ पे कोई भी टेल फिन नहीं होता है, लेकिन जो टेल है वो कैसी देखने को मिलेगी हमारे को, ऐसी घूमी हुई देखने को मिलेगी, राइट,
ठीक है। अब जो ड्राइड स्किन है किसकी, जो सी हॉर्स की जो सूखी हुई चमड़ी होती है, वो कुछ बनाने के काम आती है, ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आती है, जेवरात बनाने के काम आती है, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब गम्बूसिया, अगर आपने गम्बूसिया का नाम सुना है तो ये कहाँ काम आती है, ये अगर आपने सुना हो तो जैसे कि खुला पानी पड़ा है, कहीं गड्ढों में पानी भरा हुआ पड़ा है और उसमें मच्छर पनपने लगते हैं, राइट, मलेरिया के मच्छर पनपने लगते हैं, तो वहाँ पे इन फिशेस को छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये उनके लार्वा को और एग्स को खा जाती है और वो मच्छरों को आगे पनपने से रोकती है, और इससे क्या हो सकता है, मलेरिया पर हम रोकथाम लगा सकते हैं, राइट। तो ये इसका एक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, राइट। इट फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वा एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड टू कंट्रोल मॉस्किटो लार्वा, और मॉस्किटो की पॉपुलेशन की ग्रोथ रुक जाती है। गम्बूसिया को और भी क्या बोलते हैं, लार्वी सिडल फिश भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लार्वी सिडल फिश, क्योंकि वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। फ्रेश वाटर फिश होती है और इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बहुत ही अच्छे से देखने को मिलता है, क्योंकि इनके जो मेल्स होते हैं वो तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है। मैं आपके लिए फोटो भी लेकर आई हूँ, देखिए कि जो फीमेल है वो कितनी बड़ी सारी है, राइट, और जो मेल है वो छोटी सी है, ठीक है। इसको मॉस्किटो फिश भी बोला जाता है। अब हम बात कर रहे हैं लंग फिशेस की, तो बेटा तीन से चार लंग फिशेस के बारे में हम बात करेंगे। नियोसेराटोडस क्या है, नियोसेराटोडस, लेपिडोसिरन एंड प्रोटोप्टेरस। क्या है, प्रोटोप्टेरस। ये तीनों क्या हैं, तीनों क्या हैं, लंग फिशेस हैं। और इनमें अगर हम हार्ट की जब बात करते हैं, हमने तब भी पहले भी पढ़ा था कि इनमें तीन वेंट्रिकल्स का हार्ट होगा, सॉरी क्या होगा, तीन चेम्बर्ड हार्ट होगा। क्या होगा, तीन चेम्बर्ड हार्ट होगा। इस हार्ट में क्या होगा, ओहो, इस हार्ट में क्या होगा, दो ऑरिकल्स होंगे। क्या होंगे, दो ऑरिकल्स होंगे और एक क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। थ्री चेम्बर्ड हार्ट विथ टू ऑरिकल्स एंड एक वन वेंट्रिकल, राइट। ये कौन है, ये सारी लंग फिशेस हैं बेटा। ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है ये। ये क्या है, अफ्रीकन लंग फिश, दिस इज साउथ अमेरिकन लंग फिश, और ये क्या है, डेवोनियन लंग फिश है। ये सारे फिशेस कैसे फिशेस हैं, लंग फिशेस हैं, वो फिशेस हैं सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फिशेस हैं। लंग फिशेस को और क्या बोला जाता है, अगर आप चाहें तो आप ये लिख सकते हैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह, कि जो लंग फिशेस हैं वो मोस्ट एडवांस्ड फिशेस हैं। क्या है, मोस्ट एडवांस्ड फिशेस हैं, राइट। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको एमसीक्यू में आता है तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे, लंग फिशेस को सेलेक्ट करेंगे, राइट। ठीक है, अब लैटिमेरिया, लैटिमेरिया क्या है, ये एक लिविंग फॉसिल है। क्या है, लिविंग फॉसिल है, और ये किस किस के बीच में कनेक्शन है, ये पाइसीज या फिर फिशेस और एम्फीबियंस के बीच की क्या बनाती हैं, ये लिंक बनाती हैं। क्या बनाती हैं, लिंक बनाती हैं, कौन, सीलोकैंथ। ये क्या है, एक लिविंग फॉसिल है। क्या है, ये लिविंग फॉसिल है, और ये कहाँ देखा गया है, कहाँ देखी गई है, या फिर आप अगर फिशेस को बोलते हैं फीमेल्स की तरह, तो ये कहाँ देखी गई है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में देखी गई थी पहली बार, राइट। एंड लैटिमेरिया मेरिया इज बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट अमंग लिविंग फिश। सबसे पुरानी फिश है ये। क्या है, सबसे पुरानी फिश है। अब ये फिश जिंदा नहीं है या जीवित नहीं है, इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबियंस। और ये क्या है, फिशेज और एम्फीबियंस के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है, राइट। तो आज हमने क्या किया, आज हमने हमारी ऑस्टिक्थीज बोनी फिशेस का सारा इन्फॉर्मेशन जान लिया, सारी नॉलेज जान ली, उनके बारे में जान लिया कि वो कहाँ कहाँ रहती हैं और उनकी बॉडी कैसे डिफरेंट होती है कॉन्ड्रिक्थीज से, राइट। और उनको कितने सारे भगवान ने क्या आशीर्वाद वरदान दे रखे हैं, जैसे कि उनको ऑपरक्यूलम मिला हुआ है, और उनको क्या मिला हुआ है, टर्मिनल माउथ मिला हुआ है, राइट। और उनको क्या मिला हुआ है, स्विम ब्लैडर, या फिर क्या मिला हुआ है, एयर ब्लैडर भी मिला हुआ है, राइट। और उनमें एब्सेंट होता है क्लोइकल अपर्चर। क्या होता है, एब्सेंट होता है क्लोइकल अपर्चर। अगर हम बात करें उनके स्केल्स की, तो उनमें क्या होते हैं, या तो फिर साइक्लॉइड स्केल्स होंगे, या टीनॉइड स्केल्स होंगे, या फिर गेनॉइड स्केल्स होंगे, राइट। ऐसे ही काफ़ी सारी हमने आज बात करी, किसके बारे में, बोनी फिशेस के बारे में। इसके साथ में ही हमारी क्या है, जो पाइसीज है वो फिनिश हो गई, जो सुपर क्लास पाइसीज है वो हमारी फिनिश हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।